गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कृषि मंत्री ने भगवान गणेश से प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य के लाभ के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की और सभी से गणेश जी की प्रतिमा घरों में ही विराजित करने की अपील की। नमस्कार, गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए, देश की समृद्धि खुशहाली के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे, आप सब पर रहे, आप सब स्वस्थ रहे, खुशहाल हों, समृद्धशाली हों और आपका, आपके परिवार का, प्रदेश और देश का चहुमुखी विकास हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस बार की गणेश चतुर्थी और आनंद चौदस आपके जीवन में खुशहाली और आनंद लेके आए, आप सब स्वस्थ रहें। लेकिन इस वर्ष की गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव सार्वजनिक स्थान पर न मनाते हुए अपने अपने घरों पर ही मनाएं, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते और इसलिए गणेश जी को अपने घर में, अपनी दुकान में विराजित करें, पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद लें। एक बार पुनः आप सबकी खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हम सब पे बरसेगी, आप सब पे बरसेगी और आप सब स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे और हम अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को समृद्धशाली, खुशहाल बनाने में सफल हों, ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।